आपको भी देना है, बड़े कीमती मौका है आपको माशाल्लाह, इतनी अच्छी तादाद में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे माशाल्लाह, ये दूर दूर से بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم या आने पे बहुत मशहूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको आप तमाम दोस्तों की तरफ से वेलकम कहते हैं और आप तमाम दोस्तों का भी इंतहाई मशहूर हूँ कि आप बहुत दूर दूर से यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आज इस एक काल पे आप रात को इस वक्त यहाँ पे तशरीफ़ लाने पर आप तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों हमारी बातें तो मेरी बातें तो आप सारे दोस्त रोज़ाना सुनते रहते हैं, तो सबको मैं आज जो स्टेट लाइफ की 50वीं सालगिरह है इस पर आपको तमाम दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज माशाल्लाह 12 तारीख को स्टेट लाइफ की जो है वो 50वीं सालगिरह मुकम्मल हुई है, तो हमारे खिदमत के 50 साल हो गए हैं। इस पर तमाम दोस्तों को मैं स्टेट लाइफ की तरफ से और अपने सेक्टर की तरफ से आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों दिसंबर का महीना है, आपको भी पता है क्योंकि हमारे जोनल हेड साहब भी यहीं से ताल्लुक रखते हैं, शनकैरी से ही ताल्लुक रखते हैं और हर वक्त एक बात वो ये करते रहते हैं कि इकतबाद वाले लोग जो हैं वो इतने चुस्त नहीं है, हरिपुर वाले इतने चुस्त नहीं है, हमारे मनसेरा के जो लोग हैं वो फौरी जिस काम पे लगाया जाए वो लोग लग जाते हैं। वो आज यहाँ पे हमारा अभी तो सेक्टर का जो काम है पिछले 11 महीनों से उस तरीके से आप दोस्तों की मौजूदगी में बड़े 40 लाख रुपया प्रीमियम करके दिखाया। वसीम साहब बैठे हुए हैं, इनको देखें तो इन्होंने भी कोई 1 करोड़ रुपया उन 14 दिनों में, जब एक बंदे का जहन बन जाता है तो शाह साहब से मैं यही बात कर रहा था कि जब जहन बन जाता है तो ये 14 दिनों की बात नहीं है, ये जिस वक्त बंदा तैयार हो जाता है तो उसी वक्त अल्लाह पाक की जात जो बंदा जितना मांगता है अल्लाह पाक की जात उसको देती है, उसका उसके साथ उसकी मेहनत जो है बड़ी जरूरी है। फिर अनवर साहब को देखें, हर वक्त आपको ये सारी टीम अनवर साहब की यहाँ पे ज्यादा टीम उनकी आई हुई है, तो आप ये देख लें
कि हर साल माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं, हर महीने में अच्छा काम करते हैं। दिसंबर में पिछले साल देखें कितना अच्छा काम हुआ। अभी इन्होंने भी जाहिर है सेक्रेटरेट बनना है, तो सेक्रेटरेट के लिए इनको जो टारगेट मतलूबा टारगेट चाहिए, आप दोस्तों ने किसी ने सीनियर सेल्स मैनेजर, हर दोस्त अपना देख लें कि हमने कितना कितना काम करना है। जिन लोगों ने कोटे पूरे करने होते हैं ये कोटे, और जो प्रमोशन के लिए कैंडिडेट है उनके लिए प्रमोशन का जो प्रीमियम है, तो वो आप रात दिन है करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इतवार जब हम थे तो रात को 11 12 1 बजे तक काम करते थे। हमारी जहाँ पे जो ये कमजोरी है कि हम रात को देर तक 11 बजे 12 बजे तक काम नहीं करते। दिसंबर के दिन है यार, 14-15 दिन है, जितने पैसे कोई बंदा कमाना चाहता है कमा सकता है। आमदन का जो हिसाब लगाना चाहता है कि मैंने कोई प्लाट लेना है, गाड़ी लेनी है, कुछ करना है, तो उसके लिए भी वो जब वो प्लानिंग करता है तो वो ये काम कर सकता है। और इसी तरह जो प्रमोशन का कैंडिडेट है, ये अलमजेब साहब से पूछ लें कि 16 तारीख और इन्होंने तैयार कर दिया कि मैंने एरिया मैनेजर बनना है। आज एरिया मैनेजर बनने के लिए स्टेट लाइफ ने 1 करोड़ प्रीमियम रखा है। उस वक्त ये सारे नंबरों के लिए इनको कोई तकरीबन 1 करोड़ 20-25 लाख रुपया चाहिए था, इन्होंने 1 करोड़ 40 लाख रुपया किया। सरताज खान है बड़ा अच्छा काम करने वाला, जब सेल्स मैनेजर में 1 करोड़ से ज्यादा प्रीमियम किया। इब्राज साहब है, इब्राज साहब को देख लें, इसने भी 1 करोड़ 11 लाख रुपया बतौर सेल्स मैनेजर प्रीमियम किया। तो मैं किस किस का नाम दूं? आप दोस्त जितने भी हैं, आप एक काम करने वाले लोग हैं, लेकिन जब थोड़ी सी प्लानिंग सुस्त हो जाती है, थोड़ी सी, मैं जोनल हेड साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि इस वक्त ये हमारे सेक्टर को इनकी सख्त जरूरत थी, ताकि ये कम से कम ये लोग मोटिवेट होकर अगले जो दिन है वो बेहतर तरीके से काम कर सके। तो मैं इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने फौरी तौर पे आपको कॉल करके यहाँ पे आपको सारे दोस्त आप इकट्ठे हो गए। काम करने वाले यही दोस्त है, ये जो 20-25-30 आदमी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनमें देख लें कोई ऐसा आदमी नहीं है। शजात खान को देखें तो काम करने वाला, फरीद को देखें 50 लाख रुपए से ज्यादा प्रीमियम, सलीम साहब अभी बन गया। अफगानिस्तान के सबसे बड़े सेक्टर के सरबराह मोहतरम नियाज़ अहमद अरबी साहब, हमारे उम्मीदवार बराए साल 2023 सेक्टर हेड के उम्मीदवार मोहतरम अनवर खान साहब, और हमारे बहुत ही जबरदस्त काम करने वाले, पिछली एक तारीख रकम करने वाले, 17 दिनों में सेल मैनेजर के हैसियत से 1 करोड़ 37 लाख रुपए का ऐसा ना टूटने वाला रिकॉर्ड बनाने वाले एरिया मैनेजर आज के और उस वक्त के सेल मैनेजर मोहतरम आलम जैद साहब, और बहुत ही हमारे एक पुरजोश और बलबला अंगेज, हर दम मोटिवेट रहने वाले और अपनी टीम को मोटिवेट रखने वाले एरिया मैनेजर मोहतरम वसीम तनोली साहब, और लास्ट ईयर के चैंपियन मंथ ऑफ दिसंबर में 50 लाख के करीब प्रीमियम करने वाले एरिया मैनेजर इकरार हमीद साहब, और बहुत ही शानदार माजी रखने वाले एरिया मैनेजर सेल मैनेजर की हैसियत से आज से 2-3 साल पहले, जब 1 करोड़ रुपए की बड़ी वैल्यू होती थी, उस वक्त 1 करोड़ रुपए प्रीमियम करके से सरताज सवाती साहब और हमारे एप्टाबाद जोन का फखर, एप्टाबाद जोन का मान, सबसे सीनियर सेल मैनेजर मोहतरम अजून खान साहब, और जो पॉलिसी होल्डर की सर्विस में खिदमत में अपना कोई सानी नहीं रखते अजून खान साहब, और बहुत ही अच्छा प्रीमियम करने वाले एप्टाबाद जोन में साला साल अपनी बर्तरी कायम रखने वाले बुखारी साहब, रिक्रूटमेंट का कंपटीशन हो या प्रीमियम का, इन्होंने 3-4 साल एप्टाबाद जोन पर राज किया, और मेरे बहुत ही पुराने साथियों और नए साथियों सबके
नाम लेंगे, सभी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। साजिद खान, हारिक अब्बासी, माशाल्लाह नए भर्ती होने वाले हमारे शुजा हैं, शाहिद हैं, एक से बढ़ के एक फरीद हैं जिन्होंने, इसार साहब हमारे सीनियर साथी हैं, अनीर साहब माशाल्लाह भी तशरीफ लाए हैं, अजीम साहब हमारे साथी हैं, शिराज ने बड़ा अच्छा काम किया, और अभी आज जो एक्सेलरेटेड प्रमोशन स्कीम के तहत एबटाबाद मानसरा सेक्टर से पहले सेल मैनेजर बने हैं वकार साहब, हम सब माशाल्लाह बड़े अहम हैं। आप सबको आज की इस खूबसूरत रात जो 15 दिसंबर की है, मिड ऑफ दिसंबर है, बड़ा ही खूबसूरत वक्त है, इसमें मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आप सबको स्टेट लाइफ की जो 50वीं सालगिरह, आप सबको स्टेट लाइफ की 50वीं सालगिरह की मुबारकबाद भी देता हूँ। इस मौका पर सबसे पहले मैं आपको चेयरमैन स्टेट लाइफ का पैगाम जो खैबर पख्तूनख्वा रीजन में जोनल हेड सेक्टर हेड कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये पैगाम दिया कि मेरा ये पैगाम तमाम एबटाबाद की फील्ड फोर्स तक आपने पहुंचाना है, तो वो मैं अपना अवली फरीजा समझता हूँ कि मैं आपको चेयरमैन स्टेट लाइफ का पैगाम पहुंचाऊं। चेयरमैन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जनाब शुएब जावेद हुसैन साहब का ये पैगाम है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की कौम है, पाकिस्तानी जो लोग हैं, पूरे 22 करोड़ अवाम, इस वक्त जो हमारा एक फाइनेंशियल कंट्री लेवल पर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो हमने तमाम अदारे जितने भी अदारे हैं पाकिस्तान में, हमने 2023 जनवरी को उनको ये पैगाम देना है कि स्टेट लाइफ की जो फील्ड फोर्स है, अगर वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम करके, दुनिया का सबसे मुश्किल सेल, लाइफ इंश्योरेंस की सेल्स से ज्यादा मुश्किल कोई काम नहीं है, हम दुनिया का सबसे मुश्किल काम करके अगर पाकिस्तान में एक नया रिकॉर्ड सेट कर सकते हैं, तो तमाम अदारे अपने अपने इंडस्ट्री के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। ये हमने एक मिसाल सेट करनी है, और हमने ये जो मायूसियां हैं कौमी सतह पर फाइनेंशियली हालात क्राइसिस, हर जो डिपार्टमेंट का बंदा है वो ये देखता है अपने वो पूछते हैं फाइनेंस के लोगों से कि यार इस दफा कोई ऐसा कोई सर्कुलर तो नहीं आ गया फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि अगले महीने हमारी तनख्वाहें मिलेंगी, इस किस्म की वो तसल्ली करते हैं अपनी कि ऐसी कोई खबरें आई हैं कि हमें अगले महीने की तनख्वाहें मिलेंगी। इस वक्त जो मुल्की हालात ऐसे हैं, तो ऐसी मायूसी के अंधेरों में हमने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को सूरज और चांद की तरह चमका के दुनिया को दिखाना है कि हर हालात में अगर उसके लोग बहादुर हो, उसकी फील्ड फोर्स बहादुर हो, उसके एम्प्लॉई उस अदारे के सिंसियर हो, तो अदारे कभी भी वो तरक्की से उनको कोई नहीं रोक सकता, और जिस मुल्क के अदारे माशी तौर पर मुस्तहकम हो, स्टेट लाइफ की तरह ये काम करे, तो कभी उस मुल्क पे फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आ सकते। तो ये चेयरमैन साहब का पैगाम है, आपने पूरी कौम को मोटिवेट करना है, आपकी जिम्मेदारी है कि इस वक्त अगर कौम के दूसरे अदारों के लोग मायूस हैं, तो हमने एक ऐसी मिसाल बनना है कि वो मायूसी सारी पाक हो जाए और वो आपकी मिसालें दे दे के काम करें। तो ये एक चेयरमैन साहब का मैसेज था, और इसी मैसेज को हमने हम चेयरमैन साहब के साथ हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अपने अदारे के लिए करेंगे, अपनी कौम के मोराल को बुलंद करने के लिए अपने अपने हम काम करेंगे, तो इंशाल्लाह जब ये साल क्लोज होगा तो एक तारीख रकम होगी
शायद महमूद खालिद साहब का जो उन्होंने रीजनल इंचार्ज साथ बैठाए हुए थे और उनको ये बताया है कि आप अपने तमाम जोनों में इस साल जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका ट्रस्ट आपके इस अदारे पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है और क्लाइंट इस वक्त जो है वो यही सोचता है कि सबसे महफूज सरमायाकारी जो है सबसे मजबूत हाथों में अगर हमने अपना सरमाया देना है तो वो स्टेट लाइफ से अच्छा अदारा और कोई नहीं है जिधर हमारा सरमाया महफूज भी है और उस पर ज्यादा से ज्यादा हमें रिटर्न भी मिल सकता है। इस वक्त वाहिद आपकी जो कौम है उसके सामने एक जो मिसाल है या एक अच्छी उनको यकीन है उम्मीदी यकीन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके अदारे से है कि यहां हम पैसा रखेंगे वो महफूज भी है और जो ये कहते हैं उससे ज्यादा ये कहते कम है और देने के वक्त ये पैसा रिटर्न ज्यादा करते हैं। आपकी जो इलाके के लोग हैं मतवके पॉलिसी होल्डर हैं उनका माइंड सेट ये बना हुआ है कि आपका अदारा सबसे ज्यादा अच्छा है सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है और सबसे ज्यादा ये रिटर्न देता है और सबसे ज्यादा यहां पैसा महफूज है। और दूसरी जो चीज इससे पहले स्टेट लाइफ के 50 सालों में पहले कभी भी नहीं थी इस दिसंबर में है वो ये है कि हम हर घर के फर्द को हेल्थ इंश्योरेंस की मुफ्त कवरेज दे रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से दे रहे हैं और उसकी इतनी सिस्टमेटिक है कि बगैर किसी शिकायत के हम 5 साल ये और इससे पिछले 5 साल ये 10 सालों में एक इतना मेगा प्रोजेक्ट हमने चलाया जिसकी इस वक्त तक कोई सिंगल कंप्लेंट भी नहीं है। तो ये भी एक वजह है लोग जब जाते हैं हॉस्पिटल के वो जो पेमेंट वाउचर होते हैं जो उनका बिल होता है मनोग्राम पढ़ते हैं और इनको ये पता चलता है कि ये मेरा जो इलाज हुआ है या मेरी मां का इलाज हुआ या मेरे बाप का इलाज हुआ है या मेरी बीवी का इलाज हुआ है इस इलाज की जो अदायगी है वो स्टेट लाइफ का अदारा करेगा उस वाउचर पे ये लिखा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो इससे पहले 49 साल जिसमें 31-32 साल मेरे और अर्जुन साहब हम सबसे पुराने 20 साल किसने दे के अपनी पॉलिसी मेच्योर करवाई ये उस क्लाइंट से पूछो जो 7 साल से ज्यादा का अर्सा हो गया हमें रेगुलर प्रीमियम दे रहा उसको ये पता है कि ये कितनी बड़ी नियामत है कि सिर्फ 7 साल प्रीमियम देने और उसके बाद 13 साल तमाम बेनिफिट के साथ तमाम बोनसेस के साथ और तमाम तहफजात के साथ वो चाहे ADB का है चाहे TIR का है उस सारे तहफजात के साथ पॉलिसी 7 साल की अदायगी के बाद 13 साल तक स्टेट लाइफ ने आपकी इस पॉलिसी को सारे फवायद के साथ जारी रखना ये एडवांटेज इससे पहले कभी नहीं था। इस वक्त ये गोल्डन एंडोमेंट ने भी आपकी इस सेल को बहुत बढ़ाया है जो जोन 5-5 करोड़ के बेस के जोन थे उन्होंने नवंबर में 11-11 करोड़ रुपए किया है 25% से ज्यादा की जो ग्रोथ है इसको और दुनिया तस्लीम नहीं करती कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 25 ये मैक्सिमम किसी भी अदारे की ग्रोथ है। ये आपके पास अजीम साहब ये मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ ये काम करते हैं इनसे पूछो कि 25% से ज्यादा की ग्रोथ कभी कोई मल्टीनेशनल कंपनी भी ये नहीं मानती कि 25% से ज्यादा की ग्रोथ भी हो सकती है 110% की ग्रोथ स्टेट लाइफ इस वक्त दे रही है। तो उसकी ये असबाब है जो मैंने आपको 2-3 बताए कि इस वक्त जो आज मार्केट में काम करने के लिए साजगार माहौल है ये इससे पहले 50 सालों में नहीं था और इस वक्त जो खुशकिस्मत हरकत करता है जाता है रातों को जाता है और अंधेरा 12 बजे से पहले कभी भी नहीं बचाई अगर हम 11 बजे जाते हैं अपने घर में
तो हमारे घर वाले ये पूछते हैं कि आप आज 11 बजे आ गए, खैरियत है, क्या वजह है कि आज आप 11 बजे वापस क्यों आ गए? आपसे तो 5:30 बजे जाते हैं तो ये पूछते हैं ना आधा घंटा लेट क्यों हुए। तो अगर 11-12 बजे जाते हैं तो पूछते हैं लोग कि भाई आप घर से पूछते हैं 11:30 बजे क्यों आए हो, और यकीन माने कि अपनी कोई तकलीफ भी होती है, बीमारी भी होती है, वो भी हमसे शेयर नहीं करते कि वो अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेते हैं कि यार इनको इनका दिसंबर कहीं खराब ना हो जाए, इनको भी इस दिसंबर की अहमियत का पता है। तो जब ये दिसंबर आप अपने लिए इतना अहम बनाओगे तो ये आपके लिए भी उतना ही अहम बन जाएगा, ये आपके लिए भी ये खुशियां, खुशहालियां, तरक्कियों का सबब बन जाएगा।